हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्कार। तो मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो वो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 11 बजे से। तो नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ मैं। तो आज थोड़ा जुकाम भी लगा था, इसलिए 2-3 दिन से नहीं नहाया था मैंने, तो इसलिए अभी नहा लिया है। और अभी तो घर का सारा काम हो गया है, नाश्ता भी हमारा हो गया, कब के कर लिया। और पापा भी काम में गए हैं और अक्षिता स्कूल गया है। अभी मम्मी थोड़ा यहाँ बकरियों को लेके गई है आसपास, तो मैं तब तक नहाया, फिर कपड़े धोए। और आज अम्मा लोग भी आएंगे शायद, अभी तो नहीं आए, दिन में आएंगे। तो दोस्तों, मम्मी आ गई है अपनी बकरियों को चरा के। इनको घर ही रहने की आदत है, तो इसलिए घर को भाग के आ गए। तीन ही है, इनको घर में ही खाने की आदत है, अभी सीधे घर ही आएंगे। अभी क्या मस्त धूप आई है। तो दोस्तों, अभी हम सेक रहे हैं धूप, और मेरी मम्मी वहाँ फ़ोन पे लगी है, तो धूप सेक लेते हैं। काफ़ी अच्छी धूप आई है। तो मेरी मम्मी ने आज सुबह ही चावल बना लिए हैं, और आज भटके डुबके बनाए थे, तो पापा सुबह खा के गए हैं। चावल हमने उस टाइम उन्हीं के लिए बनाए थे, तो अभी चावल बनाएंगे और डुबके हैं, तो अभी थोड़ा देर में खाना खाएंगे। सुबह रोटी खाई है मैंने, अभी थोड़ा धूप सेक लेते हैं। ये नीतू अम्मा लोग आ गए हैं दीदी के यहाँ से। अरे मेरी अम्मा तो लास्ट में आ रही है। अम्मा कुछ कहा पहला कौन लगा, ठंड हो बैठो बैठो चाह पीला। पहलक आ गया अम्मा मेरी, एकदम धूप में आए, अभी थक्का होने वाला तुम दू जानी। तो दोस्तों, मैंने गैस में चावल रखे हैं, तो अम्मा भी सही टाइम में आ गई हैं, अम्मा के साथ खाएंगे। मैंने थोड़ा ही रखा था क्योंकि मैं और मम्मी थे, अभी अम्मा भी खाएगी, तो अभी उनके लिए रखते हैं पहले चाय। अभी अम्मा लोग के लिए चाय रेडी है, अम्मा लोग पियेंगे चाय। अम्मा ले ये और अम्मा ले आई है मेरे लिए कुरकुरे, नीचे वाली अम्मा। एक ऐसे दुबक के सोई है यहाँ पे। तो दोस्तों, अम्मा आ गई है मेरी फाइनली। अम्मा कौस लगो चली वहाँ दीदी बदलू तो छो सामने अभी सब लोग हम खाना खाते हैं, नीचे वाली अम्मा को भी खिलाते हैं यहाँ भात। ये भटके डुबके हैं हमारे, ये सुबह बना ली है मम्मी ने आज। ले अम्मा खाओ। वो अम्मा तू दू कम भात के खाने तो इतने बड़े बादल फिर से लग गए हैं, मौसम में चेंज होते रह रहा। यहाँ मम्मी खाना खाने के बाद मूंगफली खा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं सीढ़ियों में, और अम्मा यहाँ धूप में लेटे, बट यहाँ बादल लग गए हैं। अम्मा बादल लग गए, अब मैं मेहंदी लगाती हूँ जरा अपने सर में। अभी मैं अपने सर में लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि मेरे कलर आधे ये आजकल ब्लीच करे वाले हो गए, आधे रेड आधे ब्लैक आधे ब्राउन। खदी यार ये खुदा रही हो, मेहंदी लगाए भेरा, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मम्मी लगाएंगी मेरे सर में, चलो आ जाओ मम्मी। मेरे बालों का कलर कुछ ऐसा होने वाला है, गार्नियर का है रेड वाला। अब इसको मिक्स करते हैं हम। मम्मी ने अपने बालों में लगाया था, अब उसकी सफ़ेदी वापस आने लगी है, और यहाँ मूँगफली खाई जा रही। खाओगे? नहीं तुम खाओ, हम अपनी मेहंदी का इंतज़ाम करते हैं यहाँ। तो अभी मेहंदी लगाने का एकदम करेक्ट टाइम है, मैंने नहाया भी, सर धोया है,
और मेरी किस्मत से भी लग गए हैं बादल। सब हौले ना चल तू लगा खाना, मम्मी लगाएंगे ये पंखा लगा पहले उसको। हाँ खाने की हो रही है अपनी लाल वाली। मैं मम्मी ब्लैक लगा दी थी, अब उसे पता चल गया है ब्लैक लगा के और भी वाइट हो रहे हैं, तो अब ये लगाएंगे। चक्की अक्की नहीं जा रहे हम छी, मम्मी यहाँ जबरदस्ती चक्की भेजना चाहती है मुझे, इतने नीचे तो है वो चक्की, वहाँ बिना साथ के जाने का मन भी नहीं करता नीचे रूट में। मैं जून पाए सेफ्टी के लिए हमको ग्लव्स भी मिले हैं, बट मम्मी ने अभी तक नहीं लगाए थे, लो अब लगा रही है, जब मेरे बालों में इसने आधी मेहंदी लगा ली है। बट मैंने इससे बोला था नीचे बालों में लगाना, इसने यहाँ पे ही सारी मेहंदी ख़त्म कर दी, क्योंकि इसको अपने बालों की आदत हो रही है, इसके बाल ऊपर सफ़ेद हैं, ये अपने यहाँ पे ज़्यादा लगाती है, तब अब ये नीचे नीचे लगा रही है थोड़ा मेरे बालों में। लगाओ तो मुसीबत, नहीं लगाओ तो मुसीबत। मैं जाऊँगी चक्की, वहाँ किरण भी मिलने वाली है मेरे को, आजकल वो भी यहाँ आई है बल अपने घर मायके, उससे भी मिलेंगे और मम्मी का काम भी हो जाएगा। पहले मेहंदी लगा के थोड़ा देर इसको सूखने देते हैं, अभी जाऊँगी फिर। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ चक्की जाने के लिए, अभी मम्मी लेके आएगी मडवा। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ उस दिन से मडवे का आटा ख़त्म है, ये सब सेव कर रहे हैं मडवा मेरे लिए, मेरे ससुराल के लिए, तभी आज तक इन्होंने पिसवाया नहीं ठहरा। तो आज मैं जा रही हूँ था, अभी हम खाते हैं संतरा, ये सोए हैं इधर से, ये मेरे पीछे सास है, यहाँ आगे बहू है, बीच में मैं हूँ। लो संतरा खाओगे? नहीं खाऊंगी मैं। और मैं हो गई हूँ रेडी चक्की जाने के लिए, मम्मी ने दे दिया है ये चीज़ खा के आना 200 रुपये का, 200 रुपये मिल गए हैं मेरे को यहाँ से वहाँ जाने का टैक्स। अभी वो मडवा लेके आ रही है, तो मैं चली चक्की, थोड़ा सा ही है मडवा लेके चलते हैं। ये है मेरी फ्रेंड किरण, हेलो हेलो, ये है दुल्हन, इनकी शादी होने वाली है अब। कुछ जो ब्लॉग उड़ना है मेरे। हेलो दोस्तों, ये मेरी फ्रेंड क्लासमेट ITI वाली मेट, और स्कूल भी पढ़ाई साथ में करी है, तो अभी थोड़ा इसको शर्म आ रही है तो ज़्यादा बोल नहीं रही है। कुछ बोलोगे आप? ना। क्यों? शादी के बाद आज ही मिल रही है मेरे को ये, मैं भी इससे आज ही मिलने आई हूँ, चक्की आई हूँ, तो इसका घर यहीं पे है इसलिए इसके साथ थोड़ा गप्पे मार रही हूँ। एक यहाँ पे है ये, तो और ही शर्मा रहे हैं, इनकी शादी होने वाली है अब 31 तारीख को है इनकी शादी, की शादी तक हम अपने ससुराल होंगे तो हम इनको वीडियो में देखेंगे। हेलो नहीं बोलते। किरण इनके लिए कुछ बना रहे हैं, इसके नाक में शादी से पहले वो डालते हैं ना, जिससे नाक का छेद बड़ा होता है, वो बनानी है किरण की, शादी से पहले डालना पड़ता है वरना नाक में नद भी नहीं जाती है और कान में कनफूल भी नहीं जाते हैं, तो हमने तो पहले से ही डाले थे। कहाँ है? उधर चली गई, वो देखो बड़े के लच्छे तो सही है। तो दोस्तों हमारी चक्की है यहाँ, रोड भी है हमारे यहाँ की, यहाँ पीस रहे हैं। अभी स्कूल की भी छुट्टी होगी, सर स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, सामने हमारा स्कूल है जंगलों में। तो ये है हमारे यहाँ की रोड, रोड में भी थोड़ा थोड़ा कुछ घर बन गए हैं, यहाँ पे नई दुकान भी खोली है, और हमारी चक्की यहाँ है। तो हमारा गांव ऊपर को है, यहाँ से हमारा घर तो बिल्कुल नहीं दिखता, बस वो बाखली दिख रही है, इसके ऊपर वाली बाखली होती है हमारी, यहाँ से हमारा घर तो नहीं दिखता। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, नीचे को तो जंगल ही जंगल है, यहाँ बाघ का डर भी है। पर तो अभी चक्की पीसने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। अभी मेरा नंबर आया है, उन्होंने अभी मेरा लगाया है चक्की में, उससे पहले किसी और का पीस रहे थे ना, तो वो थोड़ा टाइम वेट कर रहे थे, उसके बाद जाएंगे घर। अभी मैं थोड़ा टाइम पास किरण के साथ ही करती हूँ, यहाँ पे मुझे बोरिंग हो रही है, ये पीस लेंगे तो फिर जाऊँगी घर। अभी मेरा नंबर है, उससे पहले इनका था। अभी मेरा मडवा इतना और है, टाइम लगेगा। हेलो बोलो कि मोनिका भाई, ये है, अरे भाग गई। हेलो गाइस, ये है मेरी जो फ्रेंड है विद्या, उसकी बहन है, अभी स्कूल से आ गए हैं सब लोग, बोलना चाहती थी, मेरे ब्लॉग में आना चाहती थी बट चली गया, अभी आते हैं चलो तुम।
तो मेरा कट्टा पीस लिया है, अभी मैं चलती हूँ घर को, अभी वो पैसे चेंज कराने के लिए गए हैं। तो दोस्तों पायल और यशोदा स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने इनको रोक लिया था अपने साथ के लिए, और बाल ये रास्ते से ही खोल के आगे, देखो तुम खोल ले कहानी, ये रुक गए जरा मेरे लिए, कब से वेट कर रहे थे। चलते हैं अभी इनके साथ घर। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ चक्की पीस के, यहाँ तक आने में मेरी सांस फूल गई है, निकाल दो अक्षी का, ये अक्षी पीस पूरी जा, अक्षित भी आ गया है स्कूल से, वो बाप रे हैं, चाय पी के आई नहीं क्यों, और मम्मी यहाँ भिखू काट के भी ला गए हैं, यहाँ भिखू एकदम हरी हो रहा है इतना क्या, अम्मा अपने काम में आते ही लग गए हैं, पतोरी है भिखू। तो दोस्तों ये मेरी अम्मा अब ये अपना सगड़ चलाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी शाम के टाइम में यहाँ काफ़ी हवा चलती है, तो इसलिए अम्मा की तैयारी हो रही है यहाँ। कल तक अम्मा के बिना घर में काफ़ी सुना सुना लग रहा था, आज अम्मा आ गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अम्मा तुमको हमें याद है अम्मा, हाँ अम्मा आप लड़की के यहाँ गई थी, वहाँ भी थोड़ा टीवी मिल गई, चलो ये अच्छा है, वहाँ काफ़ी ठंडा होता है ना अम्मा, वहाँ गहा में नहीं ऊन बेल, वहाँ 11 बजे धूप आती है, वहाँ घाम को 2 बजे हूँ, 11 बजे 11 बजे घाम नहीं है वहाँ, अच्छा नहीं देखी थोड़ा सा उसी एरिया देखी, बातों नहीं सुखा हो या उन को हम चुका भी पा रहा हूँ, अच्छा पाव उस बजे की हुई नहीं। दोस्तों चक्की से आने के बाद अभी मैं यशोदा और पायल हम तीन बहनें जा रहे हैं मोड़ आने के लिए, क्योंकि आज का शाम के टाइम में तो हम खाली है, तो इसलिए सोचा थोड़ा मोह ही चले जाएगा खेतों में, तो अभी हम तीन जने जा रहे हैं, तो मैं खनती हूँ और ये भरेंगे, ये वाला कुदाल है हमारे आए क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हम तीनों का कट्टा है रेडी, यहाँ तो हम कट्टे में ले जाते हैं, ससुराल में हम डलिया में लेके जाते हैं, तो ये है हम तीन, ये पायल यशोदा स्कूल से आगे, मैं इनको सीधा रेडी कर लिया है यहाँ मोड़ आने के लिए, तो यहाँ मम्मी हमको उठाने के लिए आ गई है कट्टा, हटे नानी उठाएगा, हेलो गाइस नीचे से ऊपर को उठाओ, चलो भाई। दोस्तों यहाँ से यहाँ आने तक सांस फूल गई है एकदम, एक तो काफ़ी टाइम बाद डाल रहे, फिर एक तो ये सीधी चढ़ाई है ऊपर को, और ये कट्टे में डाले हैं अच्छी चुभ रहे, अभी चलते हैं डाल के आते हैं, एक हमारे साथ रॉकी भी आ रहे हैं हमारे दोस्त, कैसे हैं यशोदा और पायल। तो अभी हम अपने माल टन में आए हैं, सबसे दूर जो हमारा खेत है वहीं जा रही मैं, क्योंकि एकदम एक तो सबसे लास्ट है और फिर वो अकेला खेत है ना, मतलब उधर को तो मम्मी ऐसे भी कहा जाएगी, तो जा रहे हम, वैसे तो एक ही डलिया होगा उसमें आज ही हम तीनों का, फिर तो मम्मी को जाना ही पड़ेगा, बट थोड़ा हेल्प हो जाएगी, चलते हैं अभी, अभी तो किसी किसी ने डाल भी दिया है, हाँ ये रहा हमारा खेत, ये लास्ट खेत की बाउंड्री है, यहाँ से फिर वो वाला शुरू हो जाता है ना मांग वगैरह, और उधर को मार्केट वाला एरिया ठहरा, चलो खाली करते हैं कट्टा। तो इस खेत में तो डाल दिया है, अभी एक बार और आना पड़ेगा, हाँ तो अभी हम चलते हैं घर को, अम्मा के लिए मेरे को एक ठिट मिल गया है, एक एक ठिट कीमती है मेरी अम्मा के लिए, क्योंकि ठंडा हो रहा है आजकल, उसका सगड़ तो जल गया है, एक सगड़ से का एक ठिट से काम बन जाएगा, अभी एक और मिलता तो अच्छा होता, बट एक मिल गया है मेरे को, सब लेके जाती हूँ, दो हो गई, अरे वाह दो ठीठे और मिल गए हैं हमको। तो दोस्तों चलते हैं हम घर की ओर, हम तीन जनों का टाइम खाली, आजकल हम घर में बैठे बैठे वैसे भी कुछ तो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इन दोनों को मना के लिए आई मोड़ आने के लिए, ये स्कूल से सीधा आके मेरे साथ ही आए हैं, तो अभी हम चलते हैं घर को, खाना तो खाया है यार खाली भी, मतलब ये सीधा खाना खा के आए, चलो फिर।
मोर डाल के घर आ गए हैं और पापा भी आ गए हैं आज काम से, टाइम से आ गए आज। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।